वेद भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है। भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर चार वेदों में से एक वेद ऋग वेद का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है, जो नीति शिक्षा और समाज व्यवस्था इसमें वह अद्भुत आश्चर्यजनक और रोमांचकारी है। वेदों से हमें यह जानकारी भी मिलती है कि हमारी प्राच्य सभ्यता कितनी उन्नत और विकसित थी। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का यह हिंदी रूपांतरण में कुछ हम महत्वपूर्ण अंश पढ़ेंगे। जन जन और घर घर के लिए कल्याणकारी होगा, इससे हम अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं। लाखों वर्ष पूर्व ऋषियों मुनियों हमारे आम जन मानस की क्या मानसिकता थी वह इसमें हमें मालूम पड़ेगा। ऋग्वेद से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र उठाए गए हैं। इसमें पहला अध्याय में ऋषि मधुच्छंदा वैश्वामित्र, जिसका देवता अग्नि है और जिसका छंद गायत्री है। छंद इस प्रकार से है कि वह किस प्रकार से गाया जाता है। अग्रणी प्रकाशित यजक करता देवदूत यत्न मुक्त अग्नि का मैं स्तवन करता हूँ। पूर्व काल में जिसके ऋषियों ने उपासना की थी और अब भी ऋषिगण जिसकी स्तुति करते हैं, वही अग्नि यज्ञ में बुलाई है। अग्नि धन दिलाने वाली, पोषक तथा वीरत्व प्रदान करने वाली है। हे अग्नि, तू जिस यज्ञ में सर्वत्र विराजमान है उसमें विघ्न संभव नहीं है। वह यज्ञ स्वर्गस्थ देवगणों को तृप्त करता है। हे अग्नि, तू हविवाहक ज्ञान कर्म की प्रेरक अमर यशस्वी देवताओं सहित यज्ञ को प्राप्त हो। हे अग्नि, तू हविकर्ता का कल्याण करने वाली है, अवश्य वह कर्म तुझे प्राप्त होता है। हे अग्नि, हम रात दिन अपनी बुद्धि और हृदय से नमस्कार पूर्वक तेरा सामीप्य प्राप्त करते हैं। हे अग्नि, तू यज्ञ को प्रकट करने वाली सत्य रक्षक स्वयं प्रकाशित तथा सहजी वृद्धि को प्राप्त होती। हे अग्नि, पिता जैसे पुत्र के पास स्वयं ही पहुंच जाता है, वैसे ही तू हमको सुगमता से प्राप्त हो जाती है। तू हमारे लिए मंगलदात्री बन। जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं कि सबसे पहले अग्नि की खोज मनुष्य ने की, तो हमारा सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है, उसमें भी अग्नि की स्तुति की गई है। इससे वैज्ञानिक और हमारे ऋषि मुनियों की बात एक मत मिलती है।